अस्सलाम वालेकुम, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। वीडियो का मकसद ये है कि जो टैक्स फाइल करना होता है, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ क्यूरीज आई थी। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए थे और कुछ लोगों ने पर्सनली मुझसे रब्ता किया है, तो वो ये कहते हैं कि अगर काफ़ी अर्से से किसी में है कि कोई बंदा पहले टैक्स रिटर्न कभी फाइल नहीं किए, लेकिन इस दफ़ा अब फाइल करना है और पीछे कुछ चीज़ें हैं जो उनके एसेट्स वगैरह है, तो उनको किस तरह लिखना है, इसमें किस तरह एंट्री करनी है, तो दोनों के लिए ये वीडियो फुल होगी। तो पहले नंबर पे तो जो चीज़ है कि पहले जो मैंने मेरी एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, वो उसका लिंक मिल जाएगा कि जो सैलरीड पर्सन के लिए किस तरह टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी सारा तरीकाकार वही होगा, उसमें जो चीज़ एडिशनल करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे वेल्थ स्टेटमेंट इस जगह पे आ जाना है, बाकी चीज़ें आपने उसी तरह करनी है अगर जो सैलरी वाला है या तरीकाकार जो मैंने बताया हुआ है पहली वीडियो में। वेल्थ स्टेटमेंट पर, वेल्थ स्टेटमेंट पर आपके पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में आ जाना है। आपने जो ड्यूरेशन जिस दौरान आपने जब टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए, उस दौरान अगर आपने कुछ चीज़ें बना ली हैं, कुछ प्रॉपर्टी है आपकी, उस चीज़ की एंट्री आपने और जो मिसिंग हो गई है वो करनी है इस जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल खरीदी थी, उसको इस तरह करना है एग्रीकल्चर लैंड में ऐड जाके आपने वो फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात में वो लैंड आपने खरीदी थी और वो आपने 2015 में खरीदी थी, एक निशानी के तौर पे आप लिख लें, उसका एड्रेस वगैरह जो चीज़ें हैं वो लिख लें कि किस जगह पे आपने वो खरीदी, उस वक़्त वो आपने खरीदी थी फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपये में। ये एक एंट्री होगी। दूसरी, आपने एक कोई कमर्शियल जगह जो है वो आपने 10 लाख में खरीदी थी, या कुछ अमाउंट पे लिख लें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई एड्रेस लिखें और उसके बाद वो भी लिख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपने 2018 में खरीदी थी, उसका एड्रेस वगैरह लिख लें। और ये साथ ही मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने आपकी वो कौन सी वाली किस ईयर की मिसिंग थी। ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहे हैं कि ये आपने 10 लाख में खरीदी थी। ये भी हो गया। इसी तरह आपने उस दौरान एक कोई गाड़ी खरीद ली थी इसी अरसे के दौरान, किसी जो मिसिंग हो गया आपका, तो उसमें आपने गाड़ी का अपनी गाड़ी का नंबर लिखा और साथ उसकी डिटेल्स वगैरह लिखने के बाद आपने लिख लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपने 2020 में खरीद ली थी। ये ईयर इसलिए लिखते जाए ताकि आपको याद रहे कि वो इस दौरान में रही, आपकी याद आने के लिए वो आपने खरीद ली थी 15 लाख में, लिख लें। तो आपने ये कर ली। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह के और भी कोई एसेट आपने बना लिया है तो वो आप इस जगह पे उसकी एंट्री कर दें। ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि जाना है ये टोटल ये जो अमाउंट है ना, जितनी भी ये अमाउंट बनेगी इसको जमा कर लेना है अपने तौर पे। ये जो अमाउंट है इस सूरत में हमारे पास ये बन रही है 30 लाख रुपये। नेट रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाना है। नेट एसेट प्रीवियस ईयर दूसरे नंबर पर ये जो लिखा हुआ इस पर आपने वो कितनी टोटल अमाउंट बन रही थी 30 लाख, वो आपने इधर कर लें, एंट्री कर लें। जैसे ही आपने इधर एंट्री कर ली तो आपकी ये रिकन्सिलेशन अमाउंट ज़ीरो होगी। तो अब इसमें आपके जितने ईयर्स की मिसिंग हुई थी वो होगी है, बाकी आपने जो आपका जिस तरह उस साल का टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2022 का बढ़ना है या 2023 का बढ़ना है, 1 जुलाई 2022 से लेकर 2023 तक, बाकी तमाम चीज़ें इनफ्लो वगैरह तमाम चीज़ें आपने उसी तरह करनी है। ये उसमें एडिशनल कर देनी है जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई है,
तो इंशाल्लाह आपका आप इससे आनवर्ड फिर दोबारा फाइलर बन जाएंगे और आपकी तमाम चीज़ें डिक्लेयर्ड भी हो जाएंगी। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।